अदलिया बुनियादी फरीजा अदा करने में बुरी तरह नाकाम रही है। लाखों केसेस जेरे इल्तवा, धक्के खाती नस्लें फैसलों के मुंतजर, सब कुछ बेच कर भी इंसाफ नहीं मिलता। अंसार अब्बासी का कॉलम। कॉलम निगार अंसार अब्बासी लिखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट के तमाम चीफ जस्टिस साहिबान, आला अदलिया के तमाम जज हजरात जब हाई प्रोफाइल सियासी केसों का फैसला कर लें, जब एजेंसियों की तरफ से अदालती मामलात में पहले मुदाखलत का जरिया बनने और फिर उसको रोकने के किसी फार्मूले पर इत्तफाक राय पैदा कर लें, जब नवाज शरीफ, इमरान खान और जुल्फिकार अली भुट्टो मरहूम को अपनी ही नाइंसाफियों के बाद इंसाफ देने में कामयाब हो जाए, जब अपने जजों के किरदार को यकसर भूलते हुए साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद समेत सियासी और अदालती मामलात में मुदाखलत करने वाले जर्नलों के एहतसाब से फारिग हो जाएं, जब मार्शल लॉ को बार बार कानूनी करार देकर अब उसको रोकने के काबिल हो जाएं, तो फिर थोड़ी सी तवज्जो अवाम को जल्द और सस्ता इंसाफ देने पर भी दे दें। इस काम में इतनी वाह-वाह तो नहीं होगी, टीवी टिकट्स भी नहीं चलेंगे, लाइव टेलीकास्ट भी नहीं होगी, लेकिन ये वो बुनियादी फरीजा है जो हमारी अदलिया अदा करने में बुरी तरह नाकाम रही है। हम बगैर चोरों सरा तमाम आला अदलिया के जजों को हीरो तस्लीम करते हैं, मान लेते हैं कि सब बड़े कमाल के जज हैं, लेकिन मेहरबानी फरमाकर आम आदमी को इंसाफ दें। थोड़ी सी तवज्जो जरा उन लाखों पाकिस्तानियों पर भी मरकूज कर लें जो हर रोज कोर्ट के चेहरियों में इंसाफ के लिए धक्के खाते हैं, बरसों बल्कि दहाइयों आम केसों के फैसले का इंतजार करते रहते हैं। यहाँ तो केस के फैसलों के इंतजार में नस्लों को इंतजार करना पड़ता है। हजारों नहीं लाखों की तादाद में केस अदालतों में जेरे इल्तवा है और इन केसों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। न यहाँ जल्द इंसाफ मिलता है, न सस्ते इंसाफ का कोई तसव्वुर अब बाकी बचा है। पैसा है तो अदालत जाओ, वरना घर जमीन सब कुछ बेच कर भी इंसाफ नहीं मिलता। गरीब और आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं होती। अदालतें इंसाफ की बजाय ना इंसाफी का जरिया बन चुकी हैं। इसी वजह से अदालत का नाम सुनकर डर लगता है कि अदालत गए तो फिर बरसों दहाइयों के लिए फंस जाएंगे। आला अदलिया के तमाम जज हजरात से सवाल है कि उन्होंने आम अदालतों में जल्द और सस्ते इंसाफ की फराहमी के लिए क्या किया, कितनी इस्लाहात तजवीज की, कितने खत लिखे। गुज़िश्ता बरसों में चीफ जस्टिस हजरात ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कितनी बार इस अहम तरीन मसले के हल के लिए फुल कोर्ट मीटिंग्स बुलाई। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने इंसाफ की जल्द फराहमी में नाकामी पर जजों के एहतसाब के बारे में कितनी बार सोचा और क्या फैसले किए। जब मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने अपना ओहदा संभाला तो मैंने जंग में शाया होने वाले अपने कॉलम में इस राय का इजहार किया था कि बहुत से लोग चाहते हैं कि चीफ जस्टिस माजी के तमाम खराबियों के हर जिम्मेदार को कटहरे में ला खड़ा कर दें, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने लिखा कि जो ऐसे मशवरे चीफ जस्टिस को दे रहे हैं, दरअसल वो जिन किरदारों को पसंद नहीं करते उनके एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये एहतसाब जस्टिस फाइज करें और सबसे पहले करें। मैं चाहता था कि पाकिस्तान और अवाम के मुस्तकबिल के लिए चीफ जस्टिस की अव्वलीन तवज्जो अदलिया की समत दुरुस्त करने और इसे इस काबिल बनाने पर होनी चाहिए कि वो लोगों को इंसाफ दे, अवाम का अदालतों पर एतमाद बहाल हो। मुकदमात बरसों दिहाइयों तक चलने की बजाय फौरी और सस्ते इंसाफ की फराहमी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो। मेरी राय में अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अदालती निजाम में ऐसी इस्लाहात लाने में कामयाब हो जाते हैं कि अदालतें फौरी और सस्ता इंसाफ देने लगे, तो ये वो कारनामा होगा जो न सिर्फ जस्टिस फाइजीसा को अमर कर देगा बल्कि इसका फायदा पाकिस्तान और अवाम को भी होगा। मेरी राय में अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अदालती निजाम में ऐसी इस्लाहात लाने में कामयाब हो जाते हैं कि अदालतें फौरी और सस्ता इंसाफ देने लगे, तो ये वो कारनामा होगा जो न सिर्फ जस्टिस फाइजीसा को अमर कर देगा बल्कि इसका फायदा पाकिस्तान और अवाम को भी होगा। असल तवज्जो उस अदालती निजाम की इस्लाह पर होनी चाहिए जो अवाम को इंसाफ देने में नाकाम हो चुका है, जिस पर किसी को कोई एतमाद नहीं, और इसी वजह से वो दुनिया में आखिरी नंबरों पर गिना जाता है।